नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीतिक गलियारों की सरगर्मी अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कोई ना कोई ऐसा मुद्दा सामने आ ही जा रहा है जो इस आग को बढ़ाने का काम करता है। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जहां भाजपा नेता अमित मालवीय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शहरी नक्सल करार कर दिया है। दरअसल मालवीय ने ये टिप्पणी गुरुवार को विधानसभा में केजरीवाल के भाषण को लेकर की। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा था कि फिल्म को टैक्स फ्री करने के बजाय निर्माता इसे YouTube पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे ये सभी के लिए मुफ्त हो जाएगी। बस इसका क्या था, इस बात को लेकर अमित मालवीय ने केजरीवाल को आड़े हाथ ले लिया और ट्वीट कर कहा कि केवल एक अमानवीय क्रूर व भ्रष्ट दिमाग ही कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर हंस सकता है और उसे नकार सकता है। केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स को झूठा करार देकर हिंदू समुदाय के जख्मों को हरा कर दिया है, जो 32 साल से अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हैं। हालांकि दिल्ली के सीएम केजरीवाल इससे पहले बॉलीवुड फिल्मों नील बटे सन्नाटा और सांड की आग को टैक्स फ्री कर चुके हैं। इसे लेकर भी मालवीय ने उन पर सवाल खड़े किए। भाजपा नेता ने ट्वीट करके कहा, केजरीवाल ने इन फिल्मों को YouTube पर डालने की सलाह क्यों नहीं दी, दिल्ली में टैक्स फ्री क्यों किया और इनमें से किन किन के चरणों में केजरीवाल गिरा होगा, क्योंकि कश्मीर फाइल्स हिंदुओं के नरसंहार की दास्ता दिखा रही है, इसलिए इस अर्बन नक्सल के पेट में दर्द हो रहा है। दरअसल भाजपा विधायकों ने कश्मीर फाइल्स को केंद्र शासित प्रदेश में मुफ्त करने की मांग की थी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा को विवेक अग्निहोत्री से कहना चाहिए कि फिल्म को YouTube पर डाल दे ताकि अब सब उसे मुफ्त में देख सकें। कुछ लोगों ने कश्मीरी पंडितों के नाम पर करोड़ों कमा लिए हैं और आपको पोस्टर चिपकाने का काम दे दिया गया है। बस इसके बाद बीजेपी नेता को मौका मिल गया केजरीवाल को घेरने का, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि शहरी नक्सली कहे जाने पर केजरीवाल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपना प्यार हम तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।